I can try if you let me. With our lives I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे अभी हम मनाली में ठहरे हैं। कल रात को 12:30 बजे हमने चेक इन किया था। मैं और पापा दोनों हम थक गए थे तो हम सीधा सो ही गए। और आज भाई हम उठे, ब्रेकफास्ट किया और अभी हम रेडी हो गए। और आज हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमना है मनाली में। वैसे मनाली में मैंने और पापा ने एक्सपेक्ट जितना किया था उतना हमको लगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर रश बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर आप किधर भी जाओ बहुत ही ज्यादा रश है। कल रात को हम मार्केट गए थे, मेन जो मॉल रोड बोलते हैं ना, वहां पर, तो वहां पर भी रश था। और अभी हम सुबह ब्रेकफास्ट करने गए ना ये होटल में, तो यहाँ पर एक जो भैया थे ना ये होटल में ही काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी लास्ट 2 या 3 दिन से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश हो रहा है। 3 दिन पहले तो कुछ नहीं था, एकदम शांत था, लेकिन कोई नहीं, अभी हम आए हैं तो भाई घूम लेते हैं। वैसे यहाँ पर रश है, शांति आपको नहीं मिलेगी। और वैसे आपको एकदम शांत जगह पर घूमना है ना, तो आप डेरा उसी चले जाओ या फिर शिमला या फिर ऐसे कुछ जगह चले जाओ, बिकॉज यहाँ पर तो रश बहुत ही ज्यादा है। रेडी पापा? चलो, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये पापा अपनी झोली लेकर रेडी हो गए। और आज हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमना है ना, तो मैंने कैब ही बुक करा दी है, बिकॉज अभी भाई मैं बहुत थक गया हूँ। अभी मेरे अंदर ताकत नहीं है कि अभी मैं मेरी कार ड्राइव करूँ। और आज हम रोहतांग पास नहीं जा रहे हैं, बिकॉज डेल हाउस में हम जब ठहरे थे तो हम सच पास जाकर आए, तो सच पास की हाइट है 14,500 फीट और ये जो रोहतांग की जो हाइट है वो है 13,000 फीट। तो भाई सच पास से तो वो नीचे ही है रोहतांग पास। और अभी मैंने कॉल करके पूछा यहाँ से जो लोकल है ना उनको कि अभी स्नो है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि स्नो तो नहीं है, मेल्टेड जो स्नो होती है ना थोड़ी बहुत वो ही है। तो फिर अभी जाने का कुछ मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी भाई सच पास होकर आए हैं, अभी रोहतांग पास जाने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी वो प्लेस हम स्किप कर देते हैं, बाकी की जो सारी है वो आज घूम लेते हैं। हमारी होटल से व्यू देख लो, इतना खास नहीं है लेकिन भाई चल जाता है। मास्क ले लेते हैं भाई, मैं बहुत सारे मास्क लेके आया हूँ देखो। अलग अलग कलर्स के। आ गए अपनी कैब और अभी हम जा रहे हैं सिसु लेक। हम पहले सिसु लेक जाएंगे, उसके बाद सोलंग वैली, और उसके बाद यहाँ पर लोकल थोड़ा बहुत घूमना है तो वो घूम लेंगे। वैसे कल रात को हम ये मॉल रोड होकर ही आए थे। और अभी आज हमको घुमाएंगे ये कृष्णा भैया। भैया अच्छी तरीके से घुमाना। मनाली की ब्यूटी स्नो में ही है। स्नो के बिना भाई ये अधूरा अधूरा सा लगता है। जब स्नोफॉल होता है ना तब भी प्यारा लगता है, इसके बिना तो भाई इतनी ज्यादा मजा नहीं आती है। जब स्नोफॉल होता है ना तब भी आओ, तब भी आपको बड़ी मजा आएगी। उसके बिना आप इधर आ सकते हो, तो भाई कुछ अगर आपको एक्टिविटीज करनी है, पैराग्लाइडिंग या फिर ऐसा कुछ करना है तो ही आप आ सकते हो। आ गए भाई अपना अटल टनल का रोड। अभी यहाँ से अटल टनल सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर है। आज मेरा बहुत मन था कि आज मैं मेरी कार लेकर अटल टनल में से पास हूँ, लेकिन भाई देखो थक में उतना गया था तो आज ड्राइव करने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो भाई तब जाएंगे कार लेकर यहाँ से। अटल टनल में स्पीड लिमिट है 40, ज्यादा नहीं जा सकते। इधर भी देखो भाई 40 पे ही हमारी कार चल रही है। ज्यादा स्पीड में चलेगे तो फिर क्या होगा, चलान कटेगा। चलान है, कैमरे भी लगे हुए हैं तो इसकी वजह से कोई जा नहीं सकता है और रुक भी नहीं सकता है। बिकॉज ये नई नई टनल बनी थी ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रुक रहे थे, ऐसा होने पर भी एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। ये रुकने की सख्त मनाही है। ये अटल टनल का जो रास्ता है ना अंदर का, ये इतना स्ट्रेट है ना कि भाई हम चलाते चलाते बोर हो जाते हैं। ना ही हल्का सा मोड़ है, कुछ नहीं है भाई, एकदम स्ट्रेट। With me, there's something else we need to find. Say you go, don't make me wait. पहुंच गए भी सिसु लेक। यहाँ पर ठंड उतनी ज्यादा नहीं है, नहीं पापा? अभी अभी टाइम बाकी है ठंड का, टाइम बाकी है, लेकिन फिर भी डेल हाउसेज है यहाँ पर, थोड़ी मुझे कम ठंड फील हुई। पहुंच गए भाई चलते चलते सिसु लेक। भाई छोटा सा ही लेक है, इस साइड से व्यू आपको उतना खास नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ये तरफ आप कैमरा घुमा लो तो भाई बहुत ही प्यारा व्यू है। Thank you.
और इधर अभी हम रुके हैं भाई खाना खाने के लिए। वैसे पापा को कुछ नहीं खाना है? नहीं क्यों? मैगी, बस भूख नहीं है। वैसे हमने सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था और अभी सिर्फ 1:30 बज रहा है तो भूख तो है नहीं पापा को, लेकिन मुझे है तो अभी मैं खा ही लेता हूँ। अपने मोमोज आ गए, हमारे वहाँ मिलते हैं मोमोज लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं होता है यहाँ का, पता नहीं क्यों। वेजिटेबल्स तो सेम ही है अंदर के, मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन टेस्ट बहुत ही मस्त है। अरे जो चटनी है ना ये भी ज़बरदस्त है रेस्ट में। और पापा की भाई मैगी नूडल्स आ गई। इतने में हो जाएगा पापा खाना? एक फ्राइड राइस बोला था तो मुझे लगा था कि थोड़ी सी क्वांटिटी आएगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। इतनी होगी तो चलेगी मैगी? हाँ मुझे लगा था कि भाई इतना थोड़ा सा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हमने अभी तक जितनी भी चीजें खाई ना, ये मैगी नूडल्स फिर मोमोज, वो भी भाई टेस्ट में बहुत ही मस्त है। और ये अभी फ्राइड राइस देखते हैं अभी टेस्ट करके। अच्छा है पापा, फ्राइड राइस अच्छा है। और अभी हम मनाली में आए ना तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, लेकिन भाई देखो सब में ख़तरा बहुत होता है। और अभी मैं सिर्फ पापा के साथ आया हूँ, हमारे साथ और कोई नहीं है। तो अभी सोच रहा हूँ कि अभी जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आऊँगा फ्रेंड्स के साथ, तब मैं सारे एक्टिविटीज़ ट्राई करूँगा। शौक़ तो मुझे भी बहुत है लेकिन अभी रिस्क नहीं लेना है। चलिए अभी निकलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेस की तरफ। ऐसे अच्छी थी ये प्लेस तो। अभी एक यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, नदी है तो नदी तक हम जा सकते हैं, लेकिन अभी पापा को नहीं आना है। नहीं क्योंकि चलने का बहुत है, चलना ज्यादा है इसे। कोई नहीं चले भाई, मैं तो जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर इसलिए जाना है बिकॉज यहाँ का जो ठंडा पानी है ना एक बार टच करना है, बस यही मेरी एक ख्वाहिश थी कि ये जो स्नो पिघलता है ना उसका पानी। वैसे यहाँ पर चलने का इतना नहीं है ये नदी तक का, तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप इधर आ जाओ क्योंकि ये बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। तो मैंने पापा को कॉल करके बोला तो है, सही रहे क्योंकि इधर है ही नहीं चलने का, यहाँ से उतरने का और फिर सिर्फ बस इतना ही चलने का और ये नदी आ गई। वो रहे पापा वो भी ऊपर से देख ही रहे कि भाई चलने का कितना है वो भी पहले सोचेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे कि अभी जाना है कि नहीं। पापा को थोड़ा मुश्किल हो रहा है भाई उतरना लेकिन इसमें ही मजा है। वैसे पापा के साथ में आया हूँ ना तो बहुत सारी जगह पर पापा को आने का मन नहीं होता है क्योंकि चलने को बहुत होता है और पापा थक भी जाता है, कि मैं पापा को खींचते खींचते सारी जगह पे लेके आता हूँ और घुमाता हूँ बिकॉज हम घूमने के लिए आए हैं। तो फिर ऐसी जगह पर हम नहीं आते हैं तो फिर मज़ा क्या आता है, तो इसलिए मैं पापा को सारी जगह पर भाई खींच के लेके आता हूँ बिकॉज भाई साथ में आए हैं तो भाई साथ में घूमने में ही मज़ा है। देखा पापा बहुत कम है चलने का। वैसे ये पानी ब्लू होता है लेकिन ये हल्का फुल्का मुझे ग्रीन दिख रहा है पता नहीं क्यों। पानी टेस्ट करना नहीं है? करते हैं चलो। और अभी मैं शॉट ले रहा था, नहीं मेरे फोन से पानी में हाथ डाल के, ये मेरे पूरे हाथ देखो भाई पूरा लाल लाल हो गए, बहुत ही ठंडा पानी है ये। अब मेरे में आपको हाथ दिखाता हूँ देखो भाई बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। अभी पापा पानी भी टेस्ट करेंगे कैसा लगा पापा? वाह, हम जोधपुर गए थे ना तम यही पानी के कितने 60 रुपीस दिए थे नहीं पापा और ये अभी हमको फ्री मिल रहा है। भाई पापा ने तो टेस्ट करा, अभी मेरी बारी है, थोड़ा ही करते हैं। अच्छा है पापा? तो थोड़ा बहुत ऐसा मीठा लग रहा है नहीं पापा, इसलिए मैंने दो बार पिया। ठंडा बहुत है, जैसे हम फ्रिज में से बॉटल निकालते ना एकदम ठंडी ठंडी, सेम वैसा ही पानी है एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है टेस्ट यार, यहाँ के लोग कहते हैं ये पानी पीने से गला बैठ। हाँ लेकिन भाई हमको कुछ नहीं होता है। और अभी पापा बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं ऐसे ये पानी में पत्थर फेंक के। करो पापा देखते हैं कितना दूर तक जाता है। जाएगा जरूर नहीं गया पापा, कहाँ गया? अब आपकी उम्र हो गई है, अभी आपसे कुछ ना हो पाएगा। चलो अभी बैठा चलो चलो अब से ना हो पाएगा। वैसे भाई ये पॉइंट पे तो हमको बहुत ही ज्यादा मजा आया। पापा आपको आया कि नहीं मजा? अरे बहुत मजा आया, मुझे तो ये सब बहुत पसंद है ऐसे। तो इसीलिए भाई ऐसी सारी जगह पर आने का थोड़ा चल के थोड़ा? आप नहीं आ रहे थे, आपने तो मना ही कर दिया सीधा, लेकिन मैंने देखा भाई इधर चलने का नहीं है तो इसलिए फिर कॉल किया मैंने पापा को। अच्छा आने का पापा हम घूमने के लिए निकले तो फिर सही से घूमने का ना।
रहा भाई सही जगह, वो घूमता ही हूँ ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन सोचा कि भाई इतना नीचे उतर के जाने का कौन जाए। लेकिन भाई देखो पैसा वसूल बोलते हैं ना, ऐसी जगह है, मेरा तो वसूल हो गया। अभी वैसे अभी यहाँ पर धूप आ रही है लेकिन उतनी भी नहीं है कि भाई हमारी ऐसी स्किन जल जाए। पहली बार ऐसा धूप में निकल के अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी इधर ठंड भी है और साथ ही साथ ऐसी धूप। हम जैसे ही मेन मनाली मॉल रोड पे पहुंचे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज अभी हम जा रहे हैं हिडिम्बा टेम्पल। अच्छा हुआ मैं मेरी कार लेकर नहीं आया। पार्किंग की भी इधर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है और साथ ही साथ ट्रैफिक भी रहता है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है जब स्लोप पे ट्रैफिक जाम हो जाता है ना तब। और अभी मैं जा रहा हूँ हिडिम्बा टेम्पल, तभी कार तो हमारी बहुत पीछे पार्क है लेकिन इधर चलने का बहुत है, अभी चल के ही जाना है। ऐसा रास्ता है पूरा चढ़ के आना पड़ता है। मैं ही थक गया, सांस फूलने लगी मेरी। दर्शन करते हैं ना इधर तो एक ऐसा एक छोटा सा टिक्का लगाते हैं। पहुंच गए हमारी होटल में और भाई देखो अभी हम रूम में तो आ गए। पापा सीधा भाई यूनिफॉर्म में आकर सो ही गए। अरे ये देख मेरी हालत तो ये अभी। वैसे अभी शाम के 7 बजे है और अभी हमने जस्ट फूड ऑर्डर किया है। हम घूमकर आए थे, इसके बाद तो भाई पापा सो गए थे थोड़ी देर के लिए और मैं नीचे भाई कार में जो मेरा लो प्रेशर दिख रहा था वही चेक कर रहा था। एक बार तो मेरा हो गया था अच्छा ठीक से, लेकिन दोबारा मैंने चेक किया भाई 1 घंटे के बाद तो फिर से लो प्रेशर वो दिखा रहा था। पंक्चर तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि प्रेशर जब मैं कार मेरी ड्राइव करता हूँ ना तब प्रेशर बराबर हो जाता है, और ये हम ठंडी जगह में आए हैं ना तो ऐसा ही हो रहा था। बिकॉज हम डेल हाउस ही थे ना तब भी मेरे सारे चार टायरों में प्रेशर 28 था, और जैसे ही मैंने कार घुमाई ना तो जो नॉर्मल मेरी कार में मैं रखता हूँ ना 33 तो उतना ही हो गया। लेकिन अभी तो बहुत ही कम दिखा रहा था लेकिन वो भाई मैंने सेट कर दिया। और वैसे भी देखो भाई कल मेरा 100वां व्लॉग था और जो मेरा व्लॉग था वो बस एकदम सिंपल सा ही था क्योंकि हम डेल हाउस से मनाली आए तो वही दिखाया था, तो हम सेलिब्रेशन कुछ कर नहीं पाए बिकॉज हम लोगों ने 12:30 बजे रात को हमने ये होटल में चेक इन किया था। तो उसके बाद तो मेरे अंदर भी ताकत नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी व्लॉग शूट करूँ और ना ही पापा में थी, तो भाई लेकिन आज हम सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। तो आज देख लो भाई, तो ये अपनी कोल्ड कॉफी मैंने ऑर्डर किया है, फिर मसाला पापड़, फिर वेज चीज सैंडविच, और इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर दाल है और इसके अंदर है राइस। जो मेन चीज है वो भाई इसके अंदर है ये गुलाब जामुन, हम मीठा का घर सेलिब्रेट करेंगे। और साथ में ये मूंग दाल का हलवा। भाई सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ मीठा तो चाहिए, तो यहाँ पर वो अपना पेस्ट्री वेस्ट्री कुछ नहीं था तो ये भाई मैंने गुलाब जामुन ऑर्डर कर दिया, और पापा को मूंग दाल का हलवा पसंद है तो वो ऑर्डर कर दिया। तो भाई फिलहाल खा लेते हैं शांति से बिकॉज भूख मुझे बहुत लगी है, पेट भर के खाना खा लिया, एक खा के मजा आ गया और हमने मीठा खाकर सेलिब्रेट भी कर दिया हमारी सेंचुरी। और वैसे गाइस देखो मनाली में घूमने की जगह तो बहुत सारी है लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि अभी स्नो नहीं है ना मनाली में, तो जितने भी पॉइंट्स थे ना वहां पर सिर्फ एक्टिविटीज ही थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और 2-3 एक्टिविटीज ऐसी थी कि मैं और पापा करने की सोच रहे थे लेकिन वो थी नहीं वो पॉइंट पे। जो हमारे कैब वाले जो भैया थे ना उन्होंने बताया कि ये जब बहुत ही ज्यादा रश होगा ना तभी ये सारी एक्टिविटीज आएगी। कोई नहीं, फिलहाल तो अभी जो मेन पॉइंट्स थे वहां पर हम घूमकर आए, अच्छा लगा मनाली में, लेकिन जब स्नो होती है ना भाई तब भी मनाली में आने का। तो वैसे गाइस मनाली में एक्सपीरियंस ओके रहा, तो आप भी अगर आने की सोच रहे हो मनाली में तो भाई आप ठंडी में ही आना, जब स्नो से पूरा मनाली भरा हुआ होता है भाई तब भी आने का, तब भी बहुत ही ज्यादा मजा आती है। तो चले गाइस अभी फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को भले बिना लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, पापा बाय बाय। I can try.